और इतने दर्जी लोग और इतने अच्छे लोग यहाँ सुनने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई। खास करके खांडेकर साहब जो है खांडेकर, इन्होंने ये जो जमा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत खांडेकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मुंबई से बुलाया और बहुत प्यार किया और इतना अच्छा ऑडियंस उन्होंने उपलब्ध करके दिया, तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। नागपुर के इंदौरा के सारे जो मेरे भाई और मेरे बहने हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और नागपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या संदेश दिया सर आपके गाने के हिसाब से? देखिए, बाबा साहब की जो संविधान है वो अब खतरे में है, उसके लिए मैं गांव गांव जा रहा हूँ और घर घर जाके संविधान का जो प्रचार है वो हमारे तरफ से कर रहे हैं। तो ये जो संविधान बचाने का जो अभियान है, ये अभियान हमको आगे लेके जाना चाहिए। 4 तारीख को ये देश में कौन सा पक्ष चुनाव में जीतेगा वो मालूम हो जाएगा, कौन सा भी पार्टी आ जाएगा, फिर भी संविधान के ऊपर जो आँच चाहिए वो बहुत खतरनाक आँच है और वो जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ संविधान विरोधी लोग जो है, मनुवादी लोग जो है, ये RSS के लोग जो है, ये नीचे तक गए हैं, ये जहर नीचे तक गया है। ये जहर को अगर निकालना है तो संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है वो घर घर में गांव गांव में लेते जानी चाहिए और उसका एक मैं एक सैनिक हूँ, बाबा साहब का सैनिक। युवा लड़के के लिए क्या कहेंगे जो युवा कॉलेज पढ़ते हैं? युवा जो है, अभी युवा लोग तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में लटके हैं, पेट पानी का तो सत्यानाश हो गया है, नौकरी नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर भी अभी संविधान का जो लड़ाई है वो युवा लोग और युवती लोग इन्होंने आगे लेके जानी चाहिए और बाबा साहब के मूवमेंट में भी एक अभूतपूर्व एक ठहराव और एक खत्म मतलब जो मूवमेंट है वो रुक गई है, तो उसको अगर हम लोगों को धक्का दे के आगे लेके जानी है तो युवक लोग ये सब कर सकते हैं, युवती लोग कर सकते हैं। इसलिए जो यंग पीपल है, दोज आर यंग प्लीज ट्राई एंड कम एंड ज्वाइन अम्बेडकराइट मूवमेंट एंड स्टार्ट न्यू मूवमेंट, फॉरगेट द लास्ट सेंचुरी एंड द प्रीवियस जनरेशन माइट हैव डन मिस्टेक्स बट यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, टेक दिस मूवमेंट अहेड। धन्यवाद। जय भीम। सर, एक करेक्शन है उस पे ना।